नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। इस साल वट सावित्री व्रत 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या को है। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा होती है, इसलिए इसे बरगद ही अमावस्या भी कहा जाता है। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखते हैं। ये व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में वट सावित्री व्रत पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से उपवास रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आइए ऐसे में जानते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वट सावित्री में क्या करें। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए सामग्री व्यवस्था पहले ही कर लें तो अच्छा रहेगा, व्रत वाले दिन परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा व्रत के लिए सुहागिन महिलाएं स्वयं के श्रृंगार या सुहाग की सामग्री खरीद लें, क्योंकि ये व्रत अखंड सुहाग के लिए ही रखा जाता है। व्रत वाले दिन इनका उपयोग करें। वट सावित्री व्रत में भीगे हुए चने खाकर ही पारण करते हैं। पारण के समय 11 भीगे चने बिना चबाए खाने होते हैं। इस दिन आपको वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करनी है और उसमें 7 बार कच्चा सूत लपेटना होता है। वट वृक्ष की कम से कम 7 बार और ज्यादा से ज्यादा 108 बार परिक्रमा करते हैं। व्रती को पूजा के समय वट सावित्री व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। कथा सुनने से व्रत का महत्व पता चलता है। अपने कपड़े और श्रृंगार की वस्तुओं में लाल रंग का उपयोग करना चाहिए। लाल रंग को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वट सावित्री व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको काले, सफेद या नीले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इनको नकारात्मक का प्रतीक मानते हैं। काले, सफेद या नीले रंग की साड़ी भी न पहने। इस दिन इन रंग की वस्तुओं के उपयोग से भी बचें तो अच्छा है। ये व्रत सुहाग के लिए रख रही हैं तो इस दिन संयमित व्यवहार करें। जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचें। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। मन में किसी के प्रति घृणा, द्वेष आदि ना रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।